मैं तुझे तेरा हिस्सा दे देता हूँ और तू मुझे यहाँ पर बिजनेस करने दे, तू कहीं पे और तेरा बिजनेस कर ले, फ्लॉप कैफे का ले ले, अच्छी डील है भाई। वैभव क्या हुआ, इतने नाराज क्यों? जब तक रोहित भी आसपास रहेंगे ना कुछ ठीक नहीं होगा। अब क्या किया भैया ने? मेरा बिजनेस प्लान था पूरा बिगाड़ दिया। बिजनेस? कौन सा बिजनेस? क्या मैंने सोचा था पहले वर्कआउट हो जाए फिर बताऊंगा, पर रोहित भी आए ना बीच में आ गए। फिर इस बार भैया को अपना प्लान खराब करने नहीं दूंगा, अपना बिजनेस प्लान एग्जीक्यूट करके ही रहूंगा। वैभव चल क्या रहा है, कैसा प्लान? श्रेया, रोहित भैया का जो इस घर में हिस्सा है वो मैं खरीदने वाला हूँ, क्योंकि इस घर से जितना दूर रहेंगे ना वो उतना अच्छा है सबके लिए। नहीं वैभव, मम्मी कभी अलग होना नहीं चाहेंगी किसी भी बच्चे से। श्रेया आदत पड़ जाएगी उन्हें और वही अच्छा है, और कौन सा भैया को मम्मी की परवाह है तुम ही बताओ। बस उनका हिस्सा खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा हो जाए मेरे पास। कहाँ मम्मी दोनों बेटों को एक करने का सोच रही है, यहाँ इनका झगड़ा अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। टाइम नहीं है ज्यादा, दोनों भाइयों के झगड़े को जल्द ही खत्म करना होगा। अब वैभव वो सब छोड़ो, रोहित भैया को विश किया तुमने? हाँ, ऐसे मेरा विश उनके लिए कुछ मायने रखता है। वैभव झगड़ा इतना भी मत बढ़ा कि फ्यूचर में कभी कुछ ठीक ना हो सके। ठीक चाहे मैं ठीक करना चाहूँ ना तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि भैया नहीं चाहते। वैभव बच्चों की तरह जिद मत करो, लड़ाई झगड़ा एक तरफ है और आज रोहित भैया का बर्थडे है, लड़ाई से एक दिन का ब्रेक तो ले ही सकते हो ना। और माया भाभी ने शाम को पार्टी रखी है, वो खुद आई थी पूछने, हमेशा की तरह इस साल भी वैभव ही केक बनाएगा ना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।